एक सवाल जो उनकी तरफ से आया और उनकी बड़ी बात है, इस पर वो बड़े खुले दिल से हयात मसीह के मसले पर मुनाजरे के लिए भी तैयार हो जाते हैं। हजरत साहब की जो गिरफ्त है वो आप देखें, आप फरमाते हैं जो असली ईसा रूहुल्ला हैं, आप तो मसील के दावेदार हो, असली रूहुल्ला भी आएंगे जब, तो वो हिंदुस्तान में तबलीग नहीं कर पाएंगे। क्यों? इसलिए कि हिंदुस्तान तो उनका इलाका ही नहीं। जब वो रसूल नबी होकर आए जिस कौम के पास, आज के दौर में जो तबलीगें हो रही हैं और सुनी जा रही हैं, लोग समझते हैं तबलीग अल्लाह का नाम लेना है, जो चाहे ले और जहां चाहे जाके तबलीग करे। होशियारपुर का एक जाट हो वो अमेरिका में जाकर अल्लाह का नाम ले सकता है, होशियारपुर का जाट अल्लाह का नाम ले सकता है, कोई पाबंदी नहीं। लेकिन नबी जिस इलाके के लिए नबी है उससे बाहर तबलीग नहीं कर सकता, अब चाहे वो अल्लाह का ही नाम है, वो तो उस इलाके का नबी है। हजरत बीर मेरे निशा रहमतुल्लाह अलैह ने उनको कहा कि तू मसीले मसीह बनता है, असल भी मसीह आए तो हिंदुस्तान उसकी तबलीग का इलाका ही नहीं है, तू किस तरह यहां मसीले मसीह बनकर तबलीग कर रहा है। जब वो आएंगे तब भी हिंदुस्तान में तबलीग नहीं करेंगे। क्यों? तो उनकी तरफ तो रसूल बन के नहीं आए, उनकी तरफ तो नबी बन के नहीं आए, हिंदुस्तान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रिसालत का इलाका ही नहीं है, तो मसील कैसे करेगा।